हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सनराइजर्स हैदराबाद SRH ने CSK को, चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। अपने होम मैदान हैदराबाद के स्टेडियम में ये मैच खेला गया, जिसमें हैदराबाद ने यूज किया सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड, और ऐसा ट्रम्प कार्ड जिसके वजह से CSK का कोई भी बैट्समैन 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। पूरी टीम 165 पे ही रुक गई। तो ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड, आइए जानते इस वीडियो में उसी ट्रम्प कार्ड के बारे में। तो उसके पहले एक बार समरी के ऊपर जाते कि मैच में क्या हुआ, कौन से प्लेयर ने कैसे खेला और क्या क्या वीकनेसेस रही जिसके वजह से CSK हार चुकी है ये मैच। तो पहले जब बैटिंग करने आते हैं CSK, उन्होंने बनाया 165 रन 5 विकेट खोकर। अभी इसका अगर एनालिसिस किए तो रचिन रविंद्र तो बहुत जल्दी आउट हुए, भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी डाली, जो विंटेज भुवनेश्वर कुमार है वो आज हमें देखने को मिले। आउट स्विंगर्स, बहुत ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग डालना, दैट वॉज विंटेज भुवनेश्वर कुमार फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे ही रुतराज और रहाणे ने फिर बैटिंग करना स्टार्ट किया, बहुत ही स्लो पेस बैटिंग की उन्होंने पावर प्ले में। आई गेस ये एक ड्रॉबैक है जिससे ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर आना होगा, क्योंकि 123 का स्ट्राइक रेट ओवरऑल अगर आप देखें 21 बॉलों में 26 रन, ये थोड़ा कहीं खटकता है। वी नो दैट कि ऋतुराज पार्क में पेस पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको इस वीकनेस पे उनको काम करना होगा, क्योंकि 123 के स्ट्राइक रेट से अगर आप ओपनिंग जाके अगर आप खेल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है अगर आप जल्दी आउट होते हो। हाँ, हमें पता है कि ऋतुराज को बाद में पेस करना इनिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन जब वो जल्दी आउट होते तब उसके बारे में क्या। फिर जैसे ही ऋतुराज आउट होते शिवम दुबे आते, और शिवम दुबे ने अपना आई गेस 24 गेंदों में 4 बड़े-बड़े छक्के लगा के उन्होंने 45 रन बनाए। भाई ये ऐसे 45 रन थे जिससे लगा था CSK आराम से 185-190 तक क्रॉस कर सकेगा जब शिवम दुबे पिच में दे। और जैसे ही 14th ओवर में शिवम दुबे आउट होते हैं, वैसे ही रन बॉल, ऑलमोस्ट रन बॉल उनका स्कोर हो जाता है, क्योंकि 13.4 ओवर में शिवम दुबे आउट हुए जिसमें उन्होंने 45 रन बनाए, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा यहाँ पे आए। अब रविंद्र जडेजा का भी अगर स्ट्राइक रेट देखा तो 135, अगर आप 5 नंबर पे आ रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। इस खेमे में मुझे ऐसा लगा कि मोइन अली के जगह अगर समीर रिजवी यहाँ पे अगर खेलते और वो या इस नंबर पे आते तो थोड़ा सा फायदा होता CSK को, या डैरल मिचेल ऊपर आते तो फायदा होता, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का भी अगर हमने उस पेस से जो जा रहे थे 116 का स्ट्राइक रेट था, विच वॉज नॉट गुड एट दैट पेस फॉर द टीम। और हालांकि जो ट्रम्प कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत अच्छे से यूज किया, उस पर भी हम लोग आएंगे कि कौन सा ट्रम्प कार्ड था और किस परेशानी से CSK के बैट्समैन गए। लेकिन अगर ये स्ट्राइक रेट से अगर हम लोग बैटिंग कर रहे हैं तो 165 रन ही बना पाए CSK, जिसमें बहुत स्ट्रगल किया अजिंक्य रहाणे ने, रविंद्र जडेजा ने, डैरल मिचेल ने, इवन धोनी जब बैटिंग करने आए तो उनको उनके लिए बस 2 गेंदें बची थी, तो 2 गेंदों में क्या ही कर सकते हैं धोनी। तो इस तरह से 165 रन बनाए, और यहाँ पे मुझे लगा कि समीर रिजवी अगर ऊपर आते या धोनी को अगर ऊपर आते तो थोड़ा फायदा होता CSK को, लेकिन धोनी जैसे उनका जो पैर की इंजुरी है, नी की इंजुरी है, वो जस्ट ऊपर जस्ट अभी भी उससे उभर रहे हैं, तो जैसे कल बात भी कर रहे थे उनके कोचेस, तो उन्होंने कहा कि धोनी अभी और टाइम लेंगे कि कब वो ऊपर बैटिंग करने आएंगे। सो उसके तहत अगर हम देखें तो समीर रिजवी अगर यहाँ होते तो थोड़ा फायदा CSK को होता। नाउ 165 फॉर 5, ऐसा लगा कि विकेट्स 2 बेस्ड है, पहले बॉल पावर प्ले में थोड़ा बैटिंग कर बैट के ऊपर आ रहा था, लेकिन जैसे ही इनिंग्स पेस हुई बाद में, वैसे हमने देखा कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि क्या ये स्लो पेस्ड विकेट है, क्या विकेट धीमी हो गई है। लेकिन जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बैटिंग चालू की तो उनका जो ओपनर थे
अभिषेक शर्मा, जो क्लास बैटिंग अभिषेक शर्मा ने यहां पे किया है। तो अभिषेक शर्मा ने पूरे 4 छक्के और 3 चौके मारे केवल 12 गेंदों में, उसमें भी उनके 12वें गेंद पे विकेट गया। तो अभिषेक शर्मा ने, अगर हम कायदे से देखें तो 11 गेंदों में 4 6s 3 4s ऐसा बड़ा स्कोर किया था, केवल 11 गेंदों में 37 रन स्कोर किया। और जैसे यूवी पा ने उनको, उन्होंने एंड में भी बोला कि मुझे युवराज सिंह ने बहुत मदद की है, तो हम युवराज सिंह की वो झलक देख रहे थे कि ये बड़े बड़े सिक्सेस लगा के वो जो स्कोर खड़ा किया था अभिषेक शर्मा ने, तो लाजवाब बैटिंग थी उनकी। ओपनिंग, उन्होंने ओपनिंग जो ये था 2.4 ओवर में 46 रन थे, तो यहीं पे वो जो रन अ बॉल, फिर ऑलमोस्ट रन अ बॉल उनको स्कोर करना था, और फिर इट बिकेम वेरी इजी। मार्करम ने अच्छा 50 स्कोर किया, क्लासन आते हैं, क्लासन ने भी 11 बॉल में 10 रन केवल स्कोर किए, फिर भी ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया। नीतीश रेड्डी जो कि नए प्लेयर हैं उनके लिए, तो उन्होंने भी 14 रन स्कोर किया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो अभिषेक शर्मा खेले वो लाजवाब था। और ये दिखाता है अभिषेक शर्मा की जो कंसिस्टेंट है सनराइजर्स हैदराबाद भी उनकी तरफ से। आई गेस ये आईपीएल थोड़ा उन प्लेयर्स की एक लॉयल्टी जिन्होंने अपने अपने प्लेयर्स की तरफ बताए हैं, जो भी फ्रेंचाइजी, दैट लॉयल्टी इज पेइंग ऑफ। इवन रियाज पराग के भी हम लोग स्कोर्स देख रहे हैं, उनकी बैटिंग देख रहे हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारी बैटिंग वो कर रहे हैं। इवन अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बॉल वन से आना है, मारना है और स्कोर को आगे लेके जाना है, बस यही। और 308 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का था, तो ये अभिषेक शर्मा की जो नॉक थी, आई गेस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि भले ही एंड में ऐसा लगा कि 19वें ओवर तक ये मैच पूरा लेके गए, 18.1 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने खत्म किया, लेकिन अभिषेक शर्मा की वो नॉक वो चेंजिंग नॉक थी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उस ट्रम्प कार्ड के बारे में जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने यूज किया अगेंस्ट सीएसके बॉलर। जी हाँ, मैं बहुत बात कर रहा हूं जो बाउंसर्स यूज किए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने अगेंस्ट सीएसके के बैट्समैन के अगेंस्ट, बहुत असरदार थे। जी हाँ, अगर आप नंबर ऑफ बॉलर्स देखिए, अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, कमिंस, मार्कंडे, शाबाज अहमद, जयदेव उनादकर, तो जयदेव उनादकर, कमिंस, नटराजन, भुवनेश्वर, चारों फास्ट बॉलर ने अपने चार चार ओवर्स खत्म किए, यानी कि स्पिनर्स ने मिला के केवल 4 ओवर डाले हैं। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर डाला, मार्कंडे ने 2 ओवर और शाबाज अहमद ने 1 ओवर, तो 4 फास्ट बॉलर्स ने अपनी ओवर्स का कोटा खत्म किया। चारों गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छे तरह से अपने बाउंसर, जो कि 2 पर ओवर हम लोग यूज कर सकते हैं, और ना केवल बाउंसर्स, वो कि स्लो बाउंसर्स थे, जबकि आपको पता था कि ये बैट्समैन को यहाँ पे ऑन द लाइन खेलना मुश्किल जा रहा है, पिच स्लो हो रहा है, तो उन्होंने और भी गेंद स्लो की। तो स्लो बाउंसर्स, ये ट्रम्प कार्ड जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने यूज किया, और सीएसके के बैट्समैन यहाँ पे बहुत दिक्कत जा रही थी। हमने देखा कि अजिंक्य रहाणे बहुत मुश्किल फेस कर रहे थे, इवन डैरल मिचेल को बहुत मुश्किल आई, रविंद्र जडेजा को मुश्किल आ रहे थे ये हिट करना, जबकि शिवम दुबे जब बैटिंग करने थे उनका एक ही था, उनके जो पावर हिटिंग है अगेंस्ट स्पिनर्स और अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स वो उन्होंने यूज किया। तो ये जो ट्रम्प कार्ड है फॉर शॉर्ट पिच, या फिर आप बोलो कि बाउंसर्स दैट आर स्लो इन नेचर, वो बहुत असरदार हुए। और जो रुद्राज की जो सेना है, थाला की सेना सीएसके, आज वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, जीत नहीं सकी। तो यहाँ पे सीएसके को देखना पड़ेगा कि अपने जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक पावर हिटर की एट द लोअर एंड अगर उनको खिलवाना है, तो मे बी समीर रिजवी खेले, वो रविंद्र जडेजा के ऊपर आ सकते हैं, और जब फर्स्ट बैटिंग, हाँ सेकेंड बैटिंग करते वक्त मे बी रविंद्र जडेजा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल सकते हैं, इवन धोनी को वो प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि सीएसके की बॉलिंग की अगर हम बात करें कि पथिनाना नहीं थे आज, मुस्तफिजूर नहीं थे, तो वहां पे एक मुश्किल थी सीएसके के लिए कि दो मेन उनके जो प्लेयर्स है वो नहीं थे टीम में,
बट ऐसी सिचुएशंस आते जाएंगे, कोई इंजर्ड होगा तो भी सीएसके को देखना पड़ेगा कि आगे चल के आने वाले मैचेस में, जो कि इनके अवे मैचेस भी है, होम मैचेस भी है, उसमें जो लोअर ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, उनको तो पावर हिटिंग करना ही पड़ेगा, लेकिन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर भी जब रचिन और रुतुराज चलते हैं, अच्छा खेलते, तो ये मैच जीतते हैं। और तो रुतुराज को भी यहाँ पे एक फास्ट पेस से खेलना पड़ेगा। और सनराइजर्स हैदराबाद, जैसे कि हमें पता है कि अबे अपने दोनों ही होम मैचेस वो जीत चुके हैं और चार में से दो पॉइंट, और अगर पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो सीएसके वही तीसरे नंबर पर है, चार में से दो मैच जीते हैं, दो हारे हैं, और उनके टोटल पॉइंट्स है फोर, लेकिन नेट रन रेट की वजह से वो तीन नंबर पे है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी चार में से दो मैच जीते हैं और उसकी वजह से वो है पांच नंबर पे। लखनऊ सुपर जायंट्स तीन में से दो मैच जीतकर भी चार नंबर पे है और चार पॉइंट्स है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही डिस्कशंस के लिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारा वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।